दोस्तों नमस्कार। सबसे बड़ी भर्ती यूपी पुलिस की आ चुकी है। अगर आप उत्तर प्रदेश के अंदर रहने वाले हो तो यहाँ पर आपको 26,000 से अधिक पदों पर वैकेंसी ऑफिशियल अपडेट हम लेके आए हैं। क्या सिलेबस रहने वाला है, एग्ज़ाम कब होने वाला है, कुल कितनी पोस्ट हैं, पूरी डिटेल इस वीडियो के माध्यम से हम देने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट है और ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर आरएसी नागरिक पुलिस 26,200 एवं फायरमैन 172 पदों के लिए भर्ती है। टेंडर जारी हो चुका है, तो विज्ञप्ति के अंदर क्या क्या है पूरी डिटेल इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, तो दोस्तों यहां से आप सीधी विज्ञप्ति आप डाउनलोड कर सकते हैं और पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आप सभी को सबसे बड़ी खुशखबरी के लिए थैंक यू। देखिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने जो कॉन्फ्लेक्स 7 जनवरी को अपडेट किया है, आज लेट हो गया है, यहाँ पर विज्ञप्ति संख्या जारी की गई है जिसके अंदर 26,210 फायरमैन 172 पदों के लिए सीधी भर्ती का ओपन टेंडर माध्यम से आमंत्रण किया गया है। इसके अंदर क्या क्या रहने वाला है, तो दोस्तों यहाँ पर दे रखा है कि सीधी भर्ती 27 जनवरी 2022 से यहाँ पर 12:30 से यहाँ पर अपडेट कर दिया जाएगा। और यहाँ पर पूरी शर्तें आपके सामने लगी हुई है, पूरी की पूरी अपडेट upbpb.gov.in के ऊपर आप जाकर पूरी देख सकते हैं। दोस्तों उत्तर प्रदेश की ओर से कांस्टेबल वैकेंसी यस आ चुकी है, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी वैकेंसी है। और आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप हमें बता सकते हैं, पूरी की पूरी डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दे रखा है। एबिलिटी क्या रहेगी, एक्टिव क्या रहेगा, क्या क्या रहने वाला है, वो चीज़ यहाँ पर आपकी दे रखी है। दोस्तों फॉरम जो आपका होने वाला है वो ऑनलाइन मोड पे होने वाला, कौन सा होने वाला है, ऑनलाइन मोड पे आपका फॉरम होगा। और इसके अंदर ये भी दे रखा है कि आपका ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा। क्या होगा दोस्तों, ऑफलाइन एग्जाम होगा, ना कि ऑनलाइन, और ओ मार्कशीट के आधार पर होगा। क्या है, ओ मार्कशीट के आधार पर आपका होगा, उसके बाद में डीवी, उसके बाद में रिजल्ट होगा। अब यहाँ पर जो पार्ट सेकंड है उनके लिए मैं पूरा डिक्लेरेशन देख लीजिए, इसके अंदर क्या दे रखा है, एबिलिटीज। दोस्तों यहाँ पर आपको पूरा का पूरा एबिलिटी के बारे में दे रखा है, कितने कैंडिडेट आ सकते हैं, कितने नहीं है, पूरी वैकेंसी का अपडेट है। अब जो कुल पोस्ट हैं, ये आपकी जो टोटल पोस्ट हैं फायरमैन के लिए और महिला और पुरुष के लिए हैं। अब आप सोचेंगे कि सर मैं यूपी से हूँ या फिर मैं राजस्थान से हूँ, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से हूँ, तो मैं फॉर्म भर सकता हूँ, तो दोस्तों आप फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यस, फॉर्म आप भर सकते हैं, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज आप सभी के लिए। तो देख लीजिए, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और नई नई अपडेट हम आपको लेके आएंगे। यूपी पुलिस की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट तैयार हो जाइए, क्योंकि वैकेंसी आ चुकी है आप सभी के लिए, टेंडर जारी हो चुका है, तो टेंडर के साथ साथ में आपका दोस्तों रिकॉर्ड भी देख सकते हैं। तो उसके बाद में आपका अच्छा एबिलिटी, यस, सभी जगह से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो आपका टेंडर है पूरा का पूरा, यानी आपकी वैकेंसी है वो यूपी पुलिस की बहुत जल्दी अपडेट होने वाली है। तो दोस्तों यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, तो जल्दी से आप जाके तैयारी शुरू कर दीजिए, ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट्स करें, अपने सुझाव देते रहिए। धन्यवाद।